मैं डॉक्टर निखिल गुप्ता, ENT सर्जन फ्रॉम बारा, राजस्थान। मैं आपको स्नोरिंग या जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं खर्राटे आना, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। कि खर्राटे आना एक आम समस्या है जो कि घरों में अधिकतर सभी लोगों को देखने को मिलती है। अपने जो घर में हैं, बड़े लोग हैं, उनके ज़्यादातर इस तरह की समस्या होती है। अधिकतर लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि वास्तव में ये कोई बीमारी भी है, या अधिकतर लोग समझते हैं कि एक सामान्य चीज़ है कि खर्राटे आते हैं। लेकिन एक खर्राटे आना एक अच्छी बात नहीं है। ये शो करता है, प्रदर्शित करता है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है जो सांस से संबंधित, जो कि सांस सही तरीके से नहीं ले पा रहा है जिसको खर्राटे आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट होती है। तो इस वजह से जो सोते टाइम या सांस लेते टाइम वो आवाज़ आती है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। उसमें जो सांस लेने का जो रास्ता है, नाक से शुरुआत होती है, मुंह के ज़रिए और गले तक जाता है। तो कहीं भी अगर वो रुकावट है, नाक की हड्डी में टेढ़ापन आना, या फिर गले में टॉन्सिल्स का बड़ा होना, या तालवे के मूवमेंट में कोई परेशानी है, या अंदर गले में कहीं कोई रुकावट है, तो इन सब कारणों की वजह से जो पूरा रास्ता है सांस लेने का, नाक से लेके और फेफड़ों तक, अगर उनमें कहीं तकलीफ़ है तो इसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। सांस प्रॉपर फ्लो में नहीं जा पाएगा। फ्लो जो होगा वो आवाज़ करेगा और वो खर्राटे के रूप में हमें सुनाई देगा। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि सांस प्रॉपर नहीं लेने से मरीज को इतना पता तो नहीं लग पाता है, लेकिन उसकी जो नींद होती है वो पूरी तरह से डीप स्लीप, वो सो नहीं पाता है। तो इसके कारण बार बार नींद डिस्टर्ब होती है। नींद डिस्टर्ब होने से पूरी नींद नहीं निकल पाने की वजह से अगले दिन वो तरोताज़ा महसूस नहीं करता है। दिन में झपके आना या गाड़ी चलाते टाइम नींद आना, ये सब सिम्टम्स होते हैं कि रात को नींद प्रॉपर नहीं निकल पा रही है। दूसरा, आपका जो पार्टनर है, जो मरीज़ का जो पार्टनर है, वो भी डिस्टर्ब रहता है खर्राटे की वजह से, उसको भी प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है। इन खर्राटे की वजह से जो शरीर में बदलाव होते हैं, BP का बढ़ जाना, मोटापा होना, हार्ट से संबंधित कई तरह की समस्याएं हो सकती है। तो इसका सही तरीके से पता लगाना कि किस कारण से है और इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो ज़रूरी है। इसको पता लगाने के लिए कई टेस्ट होते हैं। उसमें स्लीप एंडोस्कोपी वगैरह है, स्लीप स्टडी होती है। उसमें ओवरनाइट मरीज को अस्पताल में भर्ती रख के और देखा जाता है कि उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना कम होता है, और हार्ट में, ECG पैटर्न्स में, और अधिक सभी तरह की उसमें जाँचें की जाती है। उससे पता लगता है कि क्या बदलाव आते हैं। और जिस भी कारण से ये समस्या हो रही है, जहाँ भी रुकावट है, उसको सर्जरी के द्वारा या फिर एक CPAP जो मशीन होती है उसमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, तो उसके द्वारा भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो इसको ठीक करना ज़रूरी है ताकि आगे कोई दूसरी परेशानियाँ, क्रोनिक बीमारियाँ नहीं हों, ना मोटापा, डायबिटीज़, BP, हार्ट से संबंधित तकलीफें और भी कई सारी तकलीफें इसकी वजह से हो सकती है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।